मध्य प्रदेश में साल के अंत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में समितियों की बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में घोषणा पत्र समिति की बैठक की गई। इस बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ है। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी वर्गों का सुझाव लिया जाएगा, इसका एक विस्तृत कार्यक्रम भी होगा। 2003 के बीमारू राज्य को बीजेपी ने विकसित राज्य बनाया है और अब प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाया जाएगा। बैठक में और भी किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से खास बातचीत की है स्वराज संवाददाता शर्मा ने। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद से बात करते हैं। सर, आज घोषणा पत्र की समिति की बैठक हुई, पूरी तरीके से बीजेपी अब चुनावी मोड में लग रही है। मैनिफेस्टो कमेटी की हमारी पहली बैठक थी और मैनिफेस्टो की कमेटी में प्रारंभिक तौर पर हमारी चर्चा हुई है और इस चर्चा में एक रोडमैप ओवरऑल जन आकांक्षाओं को एकत्रित करते हुए समाज के सभी वर्गों को मध्य प्रदेश के विकास के लिए आगामी हमारी भूमिका, सारे लोग इसमें सही सुझाव के साथ और उसका पूरा नेटवर्किंग जो करेंगे उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसका लॉन्चिंग कार्यक्रम होगा जी। और इस दिशा में जो 2003 में कांग्रेस का शासनकाल मिस्टर मंटाधार के नेतृत्व में था, बीमारू राज्य जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकसित राज्य बनाया, अब ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा, इस परिकल्पना पर हमारा मैनिफेस्टो होगा। सर, कांग्रेस ने कई घोषणा की, उसके भी काउंटर क्या आज बैठक में किया गया? नहीं, कांग्रेस की घोषणा है, हमें उससे क्या लेना देना। लेकिन एक बात जरूर दिखाई देती है कि कांग्रेस की कमेटियों में परिवारवाद की गारंटी कांग्रेस जरूर दे रही है। जो मोदी जी कहते हैं कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो परिवारवाद की। आज भी उस कमेटी में कमलनाथ भी हैं तो नकुलनाथ भी हैं, तो ये परिवारवाद को बढ़ाने का काम जो कांग्रेस लगातार कर रही है। लेकिन एक बात जरूर मुझे दिखाई देती है कि दिग्विजय सिंह जी का बेटा नहीं आया जी। कमलनाथ जी ने चोट कर दी है। बीडी शर्मा साहब का ये कहना है कि घोषणा पत्र को लेकर तमाम तैयारी की जा रही है और उसका विस्तृत तौर पर कार्यक्रम भी रखा जाएगा। हालांकि कांग्रेस की आज जो समितियां घोषित हुई हैं उसके ऊपर भी बीडी शर्मा तंज कसते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आक्रामक दिखे। कैमरा रोहित के साथ अतुल शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।